हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो इससे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि ये डेट शीट जो है फेक है या रियल है। अब जाकर ये फाइनली ये जो एमडीयू की वेबसाइट है ये यहाँ पर अपलोड हुई है, तो वहाँ पर अब ये शो कर रहा है कि जो एमडीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेट शीट, अब ये बीएड सेकंड ईयर की फाइनली डेट शीट आ गई है, रेगुलर एंड रीअपियर। अब आप देखें कि यहाँ पर उन्हें सिर्फ आज 15th ऑफ अक्टूबर है एंड विद इन 10 डेज़ आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं 24th ऑफ अक्टूबर। और ये डेट शीट इन्होंने ऐसी बनाई है कि नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग दो पेपर हैं और इन दो पेपर का जो एग्ज़ाम है आपका वो एक ही दिन कंडक्ट है, विद इन आपका 1.5 आवर के अंदर पेपर कम्प्लीट हो जाएगा दोनों मेन सब्जेक्ट का। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए था, पर जैसे इन्होंने डेट शीट दी है और यहाँ पर ये अब फाइनली वेबसाइट पर ही इनके यहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दी है। यहाँ पर आपको अब यहाँ पे 2 दिन का गैप दिया है, देन 27th ऑफ अक्टूबर से क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, तीन सब्जेक्ट का पेपर आपका सेम डे है 27th ऑफ अक्टूबर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम बिल्कुल 45 मिनट्स का आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपका 1.5 आवर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 29th ऑफ अक्टूबर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और जिनका भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनमें से एक उनका पेपर है, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं आपके 22 एंड 23 मिनट्स के। तो यहाँ पर ये फाइनली इन्होंने ऐसी डेट शीट बनाई है कि आपके 3 डेज़ के अंदर 7 सब्जेक्ट्स को इन्होंने कवर किया है एंड टाइम आपका 1.5 आवर रखा है एक दिन का। तो अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एमडीयू यूनिवर्सिटी की बहुत ही गंदी डेट शीट आई है जो यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट हुई है। जब मैंने चेक किया था तब वेबसाइट पर डेट शीट नहीं थी, तो फाइनली डेट शीट आ गई है। आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हार्डली आपके पास सीआरएसयू को तो फिर भी काफ़ी टाइम मिला है, एमडीयू यूनिवर्सिटी वालों को बहुत कम टाइम मिला है, और उनके जो बीच का टाइम पीरियड है वो तो बिल्कुल ही डेट शीट ऐसी बनाई है उन्होंने कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास उन्होंने कुछ यहाँ पे नोट दिया है कि सारे ही स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है नेशनल गाइडलाइंस COVID-19 की, जो भी MHRD ने दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने। थर्मल स्कैनिंग होगी, ये सब हमारा जो भी अगर ऑनलाइन नहीं होता तो उनके लिए है, ये आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो भी आप ऑफलाइन मोड पे दे रहे हैं बच्चे एग्ज़ाम, उनको यहाँ पर मास्क को वियर करना है, सैनिटाइज़र होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जानी है पेपर के टाइम पर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए उनके पास, तो इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली डेट शीट अब वेबसाइट पर शो हो रही है, तो फाइनली हमारी अब एमडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके भी जो भी टाइम था, वेटिंग पीरियड था, सब ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए भी अब गुड न्यूज़ आई गई है। अभी से गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़ कहें, तो एमडीयू यूनिवर्सिटी की अब रोहतक यूनिवर्सिटी की आपकी डेट शीट जो है बीएड सेकंड ईयर अब आ चुकी है फाइनली। नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग क्रिएटिंग, तो 7 सब्जेक्ट्स हैं, अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। फाइनली डेट शीट को देख के सारे लोग हिल चुके हैं, तो यहाँ पर अब बहुत गंदी डेट शीट बनाई है। तो अभी मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जल्दी से अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए टफ होने वाला है। नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ही दिन है पेपर आपका, अब इस डेट शीट के अकॉर्डिंग तो उनको पेपर थोड़ा ईजी बनाना चाहिए बच्चों के लिए। अब बाकी अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी आपको कैसा पेपर देती है, तो आप हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए अपने। थैंक यू सो मच, ऐसे ही लगे रहिए एस्पायरिंग टीचर्स के साथ। थैंक यू।